सीनियर साथी व कलमकार, गुलूकार व कंपेयर आबिद बशीर और सीनियर अदाकार अनवर कमाल सिद्दीकी के एजाज में सजाएगी एक तकरीब। गुज़िश्ता दिनों फातमी आर्ट प्रमोटर के ज़ेर एहतमाम फातमी हाउस कराची में स्टेज थिएटर, रेडियो और टीवी के सीनियर अदाकार अनवर कमाल सिद्दीकी और मारूफ शोबिज़ कलमकार, गुलूकार व कंपेयर आबिद बशीर के एजाज़ में तकरीब पज़ीराई का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रफ़ाई तंज़ीम पैगाम वफ़ा के चेयरमैन और मारूफ फनकार अली अख्तर को फातमी आर्ट प्रमोटर के सदर राशमी फातिमी ने खसूसी अवार्ड से नवाजा। इस तकरीब की निज़ामत सीनियर कलमकार व गुलूकार शेख लियाकत ने संभाली। मौजूदा फातमी के तलावत कलाम पाक से आगाज़ हुआ। कबल अज़ीम स्टेज पर फर्दन फर्दन मेहमान खास एसएम शफीक, जनरल सेक्रेटरी फातमी आर्ट प्रोमोटर अब्दुल्ला मेमन, अख्तर डेरी, राशिद फातमी, रऊफ आलम, अनवर कमाल सिद्दीकी और आबिद बशीर को स्टेज पर आने की दावत दी गई। तकरीब के कंपेयर शेख लियाकत साहब ने आबिद बशीर के लिए तारीफ़ी कलमात अदा करते हुए कहा कि उन्होंने हिदायत करी कि कोई खेल नहीं के ज़रिए हफ्तरोज़ा निगार से बहसियत कलमकार मुतारफ़ हुए। आबिद बशीर नहायत हसमुख, मिलनसार और खुशगुफ्तार इंसान है। इसमें बा मुसफ़ा आबिद बशीर भी दोनों नामों की सिफात उनमें मौजूद है, यानी कि वो आबिद भी हैं और बशीर भी। 1999 में उन्होंने हिदायतकारी कोई खेल नहीं के बाद निगार ही के लिए तहरीर ख्वाब पर ख्वाब बने रकम की, जिसे कारीन ने पजीराई बख्शी। इस तरह उनका ये सिलसिला निगारशात जारी रहा। तंज व मिज़ाह, तबसरे, मजामीन, फिल्मी रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के लिए वगैरह उनका खासा है और ये सिलसिले हनूज जारी हैं। महानामा रिसाले एश फिल्म एशिया के लिए भी उन्होंने मजामीन तहरीर किए। ख़ास तौर से उनका लिखा एक आर्टिकल कौन सुलझाए इस उलझी जुल्फ को बेहद पसंद किया गया। आबिद बशीर ने महानामा मंदूब, अगले पाकिस्तान और दीगर फिल्मी रिसाइल व जराइद के लिए तहरीरें लिखीं। अप्रैल 2019 से वो महानामा आफाकी के बतौर सब एडिटर वाबस्ता हुए और इसी माह से एक नई मैगजीन फूड एंड स्टाइल के भी सब एडिटर मुकर्र हुए। हफ्तरोज़ा निगार से आबिद बशीर का कलमी रिश्ता है। इसके लिए उन्होंने बहुत से यादगार, मयारी और शानदार मजामीन के अलावा बहुत सी मारूफ व मशहूर शख्सियात के इंटरव्यू भी किए, जिनमें अदाकार नदीम, जावेद शेख, शबनम, रोबन घोष, मोहम्मद राना, शफकत चीमा, हारून पाशा, असलमदार, नासिर अदीब, मज़र मोइन, शहजाद रफ़ीक, संगीता, तलत हुसैन, गुलाम मोहद्दीन, सानिया सईद, फसी बारी खान, मरीना खान, देवर दशहनाज, मोहित मिर्ज़ा, यासिर हुसैन, नैयर एजाज, इस्माइल जिलानी, अच्छी खान, राहिल आगा, आसिफ खान, ज़ाहिद शाह, सलीम अफरीदी, आदिल मुराद, साजी गुल, सारा राना, गुलाम अब्बास, दानिश तैमूर, यासिर नवाज, दीना दिलपजीर, सैयद नूर, जमशेद जानवाम और महमूद सुल्तान, गुलाम मोहद्दीन, मुनीब भट्ट, आसिम महमूद, खलील रहमान, कमर दिवब अख्तियार, तलत इकबाल, अनवर इकबाल और अनिल चौधरी जैसी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यू किए। आला तालीम याफ्ता, एम ए पोलिटिकल साइंस में सनद याफ्ता आबिद बशीर हुकूमत सिंध के शोबे सेहत के बहसियत मेडिकल असिस्टेंट खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म रवर नामी शोबिस तंजीम में पहले जॉइंट सेक्रेटरी रहे और अब उसके वाइस चेयरमैन हैं। बहुत से अवार्ड अब तक हासिल कर चुके हैं। आज की इस तकरीब के दूसरे मेहमान अनवर कमाल सिद्दीकी किसी तारीफ के मोहताज नहीं। 1943 में आप मुरादाबाद भारत में पैदा हुए। तहरीक पाकिस्तान के नामवर रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर के खानवादे से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। 1972 में शोबे अदाकारी से मुंसलिक हुए। पीटीवी कराची से मुनक्किद ड्रामे सीरीज़ और स्टेज थिएटर से आगाज़ किया और शोबे में सैयद फुरकान हैदर के प्रोड्यूस करदा बहुत से ड्रामों में अपनी फ़नी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पीटीवी कराची से मुनक्किद ड्रामे सीरीज और स्टेज थिएटर से आगाज़ किया और इस शोबे में सैयद फुरकान हैदर के प्रोड्यूस करदा बहुत से ड्रामों में अपनी फ़नी सलाहियतों का मोहर लोहा मनवाया। पीटीवी कराची से उनकी यादगार ड्रामा सीरियल आखिर चट्टान और रिश्ते बहुत मकबूल हुई। उमर शरीफ बरहू की फिल्म मिस्टर 420 में काम किया और इसके अलावा फिल्म चोरी वेरा काम में भी काम किया। पीटीवी कराची के ड्रामे में अनवर कमाल सिद्दीकी ने एक बलोच मकरानी का किरदार इतना जानदार निभाया कि लोग उन्हें काफ़ी अरसे तक बलोच मकरानी ही समझते रहे। उनके जवासाल साहबजादे यरकान के मर्ज का शिकार होकर हुए और जाबर ना हो सके जवान बेटी की अलनाक जुदाई से फूट फूट का शिकार हो गए। अदाकारी से किनारे कशी इख्तियार की मजहबी रुझान उन पर गालिब आया। बारिश हुए काफ़ी अर्सा कबल अहले खाना के हमरा मुस्तकिल कनाडा चले गए और जब पाकिस्तान की याद सताती है तो एक दो माह के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। आज ही इंतसारी के पैकर अनवर कमाल सिद्दीकी से मिलकर खुशी हर शख्स खुशी महसूस करता है। अनवर कमाल सिद्दीकी जब शुक्र तकरीब से मुखातिब हुए तो फरते जज्बात से उनकी आंखों में आंसू आ गए।
और उन्होंने इंतहाई मुख्तसर खिताब में मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और दुआओं से सबको नवाजा। उनसे ज़्यादा बोला नहीं गया और ख़ुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो राकिब ने उन्हें तकारीरी सिलसिले के बाद राशिद फजली ने अपने अहदेदारान के साथ मिलकर आबिद बशीर और अजहर कमाल सिद्दीकी को पजीराई देते हुए दोनों को अपने फोरम की जानिब से खसूसी कारकर्दगी पर एवॉर्ड तजवीज़ किए। सिंध की रवायती सौगात अजरके दोनों को पहनाई। इस मौके पर अली अख्तर ने आबिद बशीर को तोहफा भी दिया। दीगर अहबाब ने दोनों मेहमानों ने खास को फूलों के हार पहनाए और तोहफे भी दिए। राशिद फातमी ने आखिरी कलमात इजहार तशक्कुर अदा किए और शुरका की तवाज़े शेख उर्दू नोर से की गई। इस यादगार तकरीब पजीराई में मोहम्मद शफीक खान, कमाल खान, एस एम शफीक, नूर मोहम्मद खान, अरमा अहमद, जुनेद मेमन, शहजाद अहमद, एहसान अमरोही, आसिफ हसनैन, सोनू मोहम्मद सलीम खान, फरीद अहमद, जान मोहम्मद, शहजाद मिर्ज़ा, अब्दुल रशीद प्रेमी, बशीर कुरैशी, फैज मोहम्मद सैद, एस एम शाकिर, कदीर जावेद, अमीर हसन, रऊफ आलम, ज़हीर अहमद अंसारी, अफजाल नबी, यासिन लतीफ़ मेमन और दीगर शामिल थे। और ये किसी को मैं देखना चाहता था लेकिन वो मेरे चेहरे के सामने है और आजकल इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो कहीं जा सके, दूसरे सभी बातों अपनी चीजें छोड़ जा सके, लेकिन आज टाइम नहीं आज जो लोग आए मैं वो बच्चे को पूरा सारे ऐसी चीजें करना चाहूंगा ये हमारे जो आगे मेरी होता है कि सर आता है बहुत बहुत साथियों और बड़े बड़े मेरे पास ये शक्ति पाएंगे कि मेरी भाई की पूरा अपडेट देंगे और और जो और
तमाम मौजूदीन मेहमान ग्रामीण और जितने लोग इस स्टेज पर बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीबें बनती आई है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह की महफिलें पार्टी आर्ट प्रोडक्शन और हमारे पाकिस्तानी फिल्म लवर और अली अख्तर ने अब एक तंजीम बनाई है पैगाम वफा और एडी प्रोडक्शन। तो एडी प्रोडक्शन तो खैर अब्दुल्ला हमारा पुराना दोस्त है, वो तो पहले से उसकी तंजीम लेकिन आज से जो पार तंजीम नजर आ रही है वो यही लोग हैं और सफीरान मोहब्बत के चेयरमैन जनाब फैर मोहम्मद सहर यहाँ मौजूद है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो कुछ चीजें रुकावट के बावजूद भी आज इस महफिल में मौजूद है। मैं समझता हूँ ये उनका बड़ा बल है। शेर साहब ने बड़ा लंबा तारुफ करा दिया, रंग रूप का ही जो हवाला वो काफी है मेरे लिए, बुलाने बोर्ड को तमाम लोगों ने उस पर मुबारकबाद मुझे दी। आज की जो महफिल है उसमें हमारे जो सीनियर हैं अनवर कमाल साहब, जिनको मैं इस टाइम से देखा और ये मेरे फेवरेट जो आर्टिस्ट हैं उनमें से एक आर्टिस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि सामने खड़े हैं तो बात कर रहे हैं, हकीकी जो बात है ये वो यही है कि जैसे 50-50 में आपको देखा था, आपको बहुत सारे ड्रामों में मैंने देखा, तो वो चीज जहन और दिमाग में है। और आपको ये बताऊं कि आज उस तरह का काम नहीं होता, आज कमर्शियल हो गया आर्टिस्ट। आपके दौर में आप लोग पैसे के पीछे नहीं भागते थे, आज का आर्टिस्ट खासतौर पे हमारे कराची का फिल्म और टेलीविजन का आर्टिस्ट जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। और इस तरह की तकारीर में आप देखिए, कराची में तकारीर में बहुत कम आर्टिस्ट आते हैं लेकिन लाहौर में आज भी वो लोग उसी तरह है। हम इसीलिए रंग रूप की ज्यादातर की बात लाहौर में करते हैं कि वहां लोग और मेहमान ज्यादा आते हैं। वो इसलिए मैंने कहा कि लोग पूछते हैं कि आप तकारीर वहां क्यों करते हैं, तो उसकी वजह यही होगी, यहाँ बुलाते हैं तो कहते हैं कितने पैसे देंगे, कितने नोट देंगे, तो ये नामुनासिब बात है। तो बहरहाल आपके लिए ऐसी कई तकारीफ होनी चाहिए और इंशाल्लाह हमें मौका मिला, हम अक्सर तकारीफ करते रहते हैं, जो रंग रूप के प्लेटफॉर्म से भी आपके लिए जरूर एक आबिद बशीर मैं जब निगार बार में मैंने डेढ़ पौने दो साल वहां काम किया है असम लिया साहब के साथ और मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है और जो कुछ मेरे अंदर से मोया है वो निगार से मैंने बहुत सीखा और उसके बाद वो मैंने इम्प्लीमेंट किया रंगों के लिए। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ गो के वो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, वो मेरे मध्य मुकाबले हैं, लेकिन मैं निगार के हवाले से बहुत सारे लड़ाई झगड़े बीच में सब कुछ हुए लेकिन ये दो शख्स ऐसे थे जिनसे कभी आया और आज इन्होंने मुझे फोन किया कि यार शाकिर भाई आपने आना है, हम किसी और जगह किसी और तकलीफ की तैयारी के सिलसिले में हम वहां मीटिंग में थे लेकिन आएगा मैं जरूर आऊंगा क्योंकि आबिद बशीर मेरा एक आइडियल समझने के लिए तो हमारे जरूर आ रहा है। इस शब्द की सबसे अच्छी बात यह है कि इस सबकी कोशिश हमें आ रहा है और हमेशा लोग उसी के लिए आ रहे हैं जो सबके दो करोड़ रुपए चाहिए होगा, ये आबिद बशीर के लिए आते रहे। एक और मेरा दोस्त है अली अख्तर, ये वैसे तो मेरे वालिद के दोस्तों में से ये एक्टर बहुत अच्छा एक्टर है और हकीकी जिंदगी में भी ये बहुत एक्टिंग करता है, ये मैंने अंदाजा लगाया है कि मतलब आपको ड्रामा इतना अच्छा बोलेगा कि आपको सच लगेगा कि यार ये जो कह रहे हो सच है लेकिन वो सच होता नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त एक्टर है। मैं तो सोच रहा हूँ कि जितनी अच्छी अदाकारी थी नदीम साहब के सामने जितनी छोटी अदाकारी थी जो एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त है बदर नवीन उनके ड्रामे में, तो एक्टिंग तो नो डाउट इसके ऊपर खत्म है और बहुत अच्छा एक्टर है। तो आज किसी भी मोहब्बत पर मैं यहाँ आया हूँ लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूँ जो ज्यादा मोहब्बत खेलते आई वो आबिद बशीर भी आई क्योंकि आबिद बशीर की मोहब्बत आई है और इसके साथ हमें अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कभी ये खफा होता है कभी मैं खफा होता हूँ, लेकिन अली अख्तर दोस्तों का दोस्त है और अली अख्तर सबका दोस्त है, सबसे अच्छी बात है। तो आज ये तकरीब सजाने में
फातिमा प्रोडक्शन के हवाले से आपको और अब्दुल्ला मेमन इनके लिए बैनर मिले है ये तकलीफ फिल्म लवर जो है फिल्म लवर के हवाले से मैं कहूंगा कि अब्दुल सलाम रोशाद भाई और दीगर इनके जितने साथी हैं वो हमेशा कोई ना कोई तकलीफ इस तरह की सजाते हैं और एक रौनक पैदा करते हैं और ये हमेशा हमेशा होनी चाहिए आइंदा भी जारी रहनी चाहिए। जनाब शेख यादव साहब ने आज जिस तरह से निजामत की है प्रोग्राम की तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है और बार बार ये जो टोकते हैं किसी बात को तो देखे होता ये है कि किसी भी प्रोग्राम में हम आए तो कोशिश करें तो फोकस करें जो कह रहा है उसको सुने और जो बोल रहा है उसको सुने बजाय इसके कि हम लोग बातचीत में लगे बार बार टोक रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे थे और ऐसा होना चाहिए हम लोग सुनना चाहिए। तो एक मतलब आप तमाम लोगों को मुबारकबाद तमाम लोगों को मुबारकबाद बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अनवर प्रवास सचिव भाई आदि बशीर भाई और अली अखर को मुबारकबाद देता हूँ आज इनके शायर नेटिव सचिव है आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी मेरे तमाम लोग पास वाले जो शाकिर भाई ने आगे बताए हैं शाकिर भाई ने बहुत बहुत शानदार तकलीफ की है आपने शायद ना देखे हो मगर अनवर का मामला है सब जानते हैं किसी तारीख के मुताबिक उससे लगे माशाल्लाह अपनी फील्ड में और बात विधानसभा के लिए एक और नौजवान को मैं मौका दे रहा हूँ जो आबादी के चीफ मिनिस्टर रहे अप्रैल 2019 से लेकर 2021 तक और अब एक नया मेडिसिन शायद भाई उन्होंने निकाला है जिसका नाम है फूड एंड स्टाइल फूड एंड स्टाइल के चीफ मिनिस्टर परमानेंट आई कोई तो हमें जो छुपा रहे हो तू तो इस कदर मुस्कुरा रहे हो माशाल्लाह से आज जो तकरीब है वो मेरे बहुत ही करीबी साथी के एजाज में है। मेरे घर में अभी दो हफ्ते पहले मेरे ससुर की डेथ हुई घर में लोग कुर्से के लिए आए हुए थे अब मैं बता नहीं सकता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के ना और यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि आज मैं अगर नहीं पहुँचता तो समझे कि मैं उसका हक ही नहीं अदा कर सकता था। मेरी जितनी भी अगर आप समझते हैं कि कोई कामयाबी है कोई कोशिश है कोई तरक्की है और कोई मैंने कुछ मैंने हासिल किया तो वो सब कुछ जो है आबिद बशीर के मनों में मिला। अगर आबिद मेरे साथ नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल मुझे मुँह दिखाने हैं। अच्छा दूसरी बात ये कि अब्दुल्ला ने कहा है तो क्योंकि अब्दुल्ला भी मेरा बहुत पुराना दोस्त है और बाद में ये मेरा पड़ोसी भी है तो बहुत अच्छा साथ हमारा रहा और तकरीबन मैं समझता हूँ कि तकरीबन 15-16 साल से हमारा साथ है। तीसरी शख्सियत जो है अली अख्तर है। अली अख्तर को मैं कहूँगा पुराना नहीं क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है और शायद पहले भी उसका जिक्र कर चुका हूँ कि हम लोग का हमारा बहुत अच्छा साथ जब हमारी दाढ़ी मुझसे नहीं आई थी हम लोग उस टाइम साथ थे और शायद हमने थिएटर पे भी साथ काम किया है फ्यूचर से और बाद में मैंने छोड़ दिया मेरी फिल्म दूसरी होती है लेकिन इसमें मुस्तकिल लगे रहे फिर एक गैप आ गया हम जो है मिले नहीं फिर काफ़ी वर्ष बाद मिले तो मुझे पता चला कि अली अख्तर जो है वो थिएटर से अभी भी वापस है
और तीसरी शख्सियत द्वारा इसके बाद जो शख्सियत अगर कमाल साहब की है, तो मैंने इनके साथ एक मरतब तकरीब में सदर से तकरीब की और वहाँ से जो है हम निकले थे इनके साथ, गाड़ी में सफ़र करते गए, फिर गुलिस्तान जोहर पे इन्होंने हमें ड्रॉप किया, फिर वहाँ से हम लोग जो है अपने अपने घर मैं था और परवेज परवान साहब थे, परवेज खान साहब होते। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा फनकार, इतना बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा फनकार, इतना पोलाइट और इतनी मेमोरी के साथ बातें करते हुए जा रहे थे और बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा। और मेरी ख्वाहिश रही कि मैं कभी इनके साथ बैठ के इनसे जो इनकी बातें थी उनको कभी तहरीर में लाऊं और कभी जो है कहीं शायर हूँ। अच्छा शेख साहब ने आफाकी, तो आफाकी को मैंने वाइंड अप समझे कुछ हद तक कर लिया, क्योंकि एक साथ तो मेरा उनसे एग्रीमेंट था, तो अब वो देखें उसके बारे में क्या होता है, क्योंकि वो हो सकता है कि हम उसको जाकर हम उन्हें दिखा दें। फिलहाल जो है फूड एंड स्टाइल के साथ आ रहे हैं, आज जो है हमने उसके अपने चैनल की लॉन्चिंग की है, उसमें स्टार सर्किल के नाम से उसमें जो है पहला पेज उसका डाला है, तो आप लोग देखिएगा फिर बताइएगा। मैं मेरे साथ कोशिश का अक्सर में होता था, मेरे साथ तौसीफ होते थे, कोशिश को हम लोग लेके चलते थे, कोशिश चैनल आपने अगर सुना होगा माशाल्लाह से, वो जो है हमारी 2 साल की मेहनत के बाद जो है मोनेटाइज हो गया है, और वो जिस मकसद के लिए यूट्यूब चैनल बनाए जाते हैं उसके हम उसके लिए कामयाब हो चुके हैं। दुआ करें कि मजीद मेरे साथ ही जो इस पर काम कर रहे हैं उनको भी कामयाबी हासिल हो, और जो लोग और जो इसके अलावा जो लिखारी हैं उनको उनकी मकासद में उनके फील्ड में कामयाबी हो, और मेरे जो साथी यहाँ पर जिनके अलावा सही है इनको अल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब सावधान करें। शुक्रिया। दोस्तों आपकी तवज्जो का ताली, आज की तारीख 19 दिसंबर ऐसे बैठे हुए मुझे सबको मैं एक ही नजर से दे रहा हूँ, असल में बहुत अच्छे सब बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं। मैं कभी अगर कोई तकलीफ करता हूँ पाकिस्तान कोशिश ने तो पीछे बिचाए नहीं, आबिद भाई वाकई है या दिन खान ने किसी भी खुशी का होता है ये लाजम पहुँचते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। उतना ही अच्छी बातें करता है, ऐसा कलम चलता है कि हम हैरान रह जाते हैं। ये कलम शेख लियाकत साहब, आबिद बशीर और पूरम विवेक, इनको देख कर ही मैंने लिखना सीखा। मैं तो अभी इनके सामने टिफिन हूँ, इनके अल्फाज देख देख कर ही मुझमें गिला आई कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। और बहुत बार मैंने पूरम विवेक से पूछा राय ली, बहुत बार मैंने आबिद बशीर भाई से पूछा इनसे राय ली कि भी मैं कैसा लिखूँ, किस तरह ठीक करूँ। मैं यूं कहूँ कि अगर मेरा फिल्म के अंदर लिखने का कोई मुझमें शरफ आया, कोई मेरे फन बहुत ही शुक्रिया आपके अनुर साहब से, आबिद बशीर, अली अख्तर और जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं सबको मैं आपका बहुत शुक्रिया भाई। शेख लियाकत अली साहब, अरे वाह वाह माशाल्लाह, थोड़ा सा माशाल्लाह लेता है इस तरह वाला।